नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जहां एक और सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाओं के द्वारा आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि आज के आधुनिक युग में हुनर की बहुत जरूरत है। क्योंकि व्यक्ति बेशक थक जाए लेकिन उसका हुनर कभी नहीं थकता। हुनर तो हर रोज उस सोने की तरह निखरता चला जाता है, जैसे निखारने के लिए पहले जलती आग से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर व्यक्ति में हुनर है तो उसे खुद पर फक्र जरूर होगा। तहजीब और तालीम के नाम से पहचाने जाने वाला अलीगढ़ को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अलीगढ़ जिले में अब आसपास के जिले भर के लोग अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करवाने के लिए अलीगढ़ का रुख करने लगे हैं। बुलेट को मॉडिफाई करने वाले युवक ने अपनी जिंदगी के 30 साल बुलेट को मॉडिफाई करते करते खुद का नाम भी फरीद बुलेट रख लिया है। खास बात यह भी है कि अलीगढ़ में बुलेट फरीद नाम से मशहूर हो चुके बुलेट के कारीगर की कारीगरी के कई आईपीएस भी दीवाने रह चुके हैं। आईपीएस राजेश पांडे और आकाश कुलहरी सहित अन्य आईपीएस के द्वारा फरीद के द्वारा तैयार की गई बुलेट की सवारी भी की है और फरीद के हुनर की जमकर प्रशंसा की है। फरीद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज उनको काम करते करते 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनको फक्र है, अब वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बुलेट गाड़ी से पहले उनका नाम आता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फरीद बुलेट। सर, किस तरीके से आपने बुलेट के नाम से अपना नाम रखा गया, क्या रहा, किस तरीके आपने अपनी गाड़ियाँ बनाई है बुलेट, और कब से आपका इसका कार्य करते चले आ रहे हैं? लगभग अब तक काम करते हुए मुझे 37-38 साल हो गए। छर्रा में दुकान थी, उस टाइम हमारे जवान खाते वहाँ काम किया करते, मैं सीखा था वहाँ पर काम। उसके बाद में काम सीखने के बाद में फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अपना काम अलहदा कर लूँ, तो मुझे मालूम पड़ा कि पूरी तरह से मैं कामयाब नहीं हूँ अभी, तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर मैंने काम किया, काफ़ी दिन तक अपनी शॉप भी खोली, फिर हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, फिर मैं लौट के छर्रा आ गया। छर्रा में फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया, काफ़ी तरह की गाड़ियाँ बनाई, नोएडा इलाहाबाद तक से गाड़ी मेरे पास बनने की नहीं आ चुकी गाड़ियाँ। और अब फिर वहाँ से 8 साल लगभग हो चुके हैं, मैं अलीगढ़ पहुँच गया हूँ, दीवानी 4 नंबर गेट के सामने, वहाँ मेरी शॉप भी है और मेरा घर भी वहाँ पर ही है। अब अपने सब लोग, मेरा परिवार भी वहीं रहता है, लोग हम वहीं काम करते हैं। और लगभग जब अलीगढ़ आया था तो गाड़ियों का इतना क्रेज नहीं था, और जब से मैंने गाड़ी बनाना शुरू किया, नाम किसी का, काम किसी का, सब ये हो गया। पर यार गाड़ी इतनी फेमस होगी बुलेट के बहुत ज़्यादा, जब इतनी अच्छी गाड़ियाँ नहीं थी, जब मैंने अच्छा डिजाइन किया, काफ़ी लड़कों को पसंद आया। सब किस तरीके की, कितनी गाड़ियाँ, किस तरीके की आपने बुलेट मॉडिफाई की हैं आपने? मैंने अनगिनती गाड़ियाँ बना दी, मेरा वैसे वो नहीं, काफ़ी गाड़ियाँ बना चुका हूँ मैंने, एक से एक अच्छी गाड़ियाँ बनाई हैं। जैसे कहीं तो ये भी गाड़ी है, कहानी साहब हमारे कप्तान साहब ने भी ये देखी है, डीआई साहब हमारे पांडे जी हैं, खुलाई साहब हैं हमारे, और भी नए भी हैं, काफ़ी मैंने आईपीएस हूँ, कम से कम 12-14 सबने मेरे गाड़ी, मेरे हाथ की कारीगरी सबने देखी है, और सबने आज तक तारीफ किया कि अच्छा काम करता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं अच्छा काम करूँ तो लोग अगर देखती हूँ कि अच्छा काम किया है, तो मैं काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैं और अब इसमें लगा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे क्या कर सकूँ। जिस तरह रॉयल गाड़ी, इनफील्ड गाड़ी, यानी कि महंगे लोगों गाड़ी खरीदते हैं, इसको बनाते हैं, तो लोगों को किस तरीके से आपका सहम मिलता है कि आपके पास आए आपके पास गाड़ी कराने? अब नई गाड़ी आती है 2.25 लाख रुपये की गाड़ी आती है। अब ये नए लड़के जो गाड़ी खरीद लेते हैं 40-50 हज़ार की गाड़ी, 50 हज़ार की गाड़ी उन्होंने पुरानी खरीद ली, 30-40-50 हज़ार तक मैं लगा देता हूँ, तो 1 लाख में इनका शौक हो जाता है, दूसरे की बहुत अच्छी गाड़ी बन जाती है। और नई गाड़ी तो आप जानते हो इतना हर लोग नहीं खरीद सकते, काफ़ी लोग बेचारे गरीब भी होते हैं, तो वो भी उनको शौक है बुलेट का, इतना टाइम इतना चेंज आ चुका है, हर लड़का घर वालों से, लड़के कहता है बुलेट लाओ, तो घर वाले भी सोचते हैं यार वहीं से बनवा लो, कहीं बाइक यहाँ से गाड़ी पुरानी दे दो, अपनी मॉडिफाई करके थोड़ा लुक दे देती हैं, तो गाड़ी अच्छी हो जाती है। जैसे हमने आपका नाम सुना फरीद भाई के नाम से, लोग बड़ा फेमस है, लोग कहते हैं कि जो बुलेट के बनाने वाले जो हैं अलीगढ़ के अंदर फरीद भाई माने जाते हैं, क्या ऐसा क्या है जो आपके लोग किस तरीके से रहने तारीफ कर रहे हैं? सब लोगों को अब ये कि मैंने अपने लाइन में बहुत अच्छे काम किए, जो गाड़ी मैंने देरी बना के दे दी वहाँ पर, काफ़ी गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ियाँ बना दी हैं, इसलिए मेरा नाम हुआ, अच्छा काम करता हूँ इसलिए मेरा नाम होता है।